जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। 2014 में जो जनादेश मिला, एक कई मायने में एक ऐतिहासिक जनादेश था। वो जनादेश ने देश में एक अस्थिरता के युग को समाप्त किया था, एक युग का अंत करने वाला जनादेश था। 30 साल के अस्थिरता के दौर के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में जनता ने चुनी, जो नरेंद्र मोदी सरकार थी। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार जब जनादेश प्राप्त कर सत्ता में आई, तब इस देश के हालात इस प्रकार के थे कि देश की अधिकांश जनता हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से भरोसा खो बैठी थी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम से ये देश आगे बढ़ेगा, ये भरोसा लगभग देश की अधिकांश जनता खो चुकी थी। उसी समय अंधेरी रात्रि में एक चमकती हुई बिजली जैसे आशा का संचार करती है प्रकाश के माध्यम से, नरेंद्र मोदी सरकार का आना हुआ और उसके बाद में देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जब नरेंद्र भाई को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त उन्होंने भाषण में कई बातें रखी थी, मगर आज मैं इनमें से दो ही बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है भाजपा के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार, वो सरकार देश के गरीबों को, देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को, किसानों को और गांव को समर्पित सरकार होगी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि हम दुनिया में देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया में देश के गौरव को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और 4 साल के बाद जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने इन दोनों वादों पर खड़े उतरे हैं और दोनों वादों को 4 साल के समय में ही पूर्ण कर 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को गौरव है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक भ्रष्टाचार विहीन पारदर्शी सरकार दी है, एक निर्णायक कड़े फैसले करने वाली सरकार दी है। हमने एक लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील सरकार दी है, हमने एक लोकाभिमुख सरकार दी है और हमने गरीब, गांव और किसानों का हित समझने वाली सरकार देने का काम किया है। मित्रों, जो दो वादे मैंने कहे वो दो वादों के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश में जब से संविधान को स्वीकार किया, लोकतंत्र को स्वीकार किया, तब से कई प्रकार के द्वंद्व सरकार चलाते वक्त खड़े हुए थे। सरकार बनते ही ये विवाद शुरू होता था, ये सरकार किसानों की सरकार है या सरकार उद्योगों की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सफलतापूर्वक ये द्वंद्व समाप्त किया है। एक सरकार किसानों के लिए भी अच्छे से अच्छे फैसले ले सकती है, इसकी हर समस्या का समाधान कर सकती है और देश के अर्थतंत्र को में भी डिसिप्लिन लाकर सभी पैरामीटर्स को सुधार कर सकती है। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एस्टैब्लिश किया है। नरेंद्र मोदी सरकार बनी उसके पहले हर सरकार के लिए ऐसा द्वंद्व चलता था कि सरकार शहर की सरकार है या ये सरकार ग्रामीण सरकार है, शहर के लिए काम करने वाली सरकार है या गांव के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण विकास के इतना बड़ा काम करने के बाद भी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हर सरकार ये द्वंद्व में रही कि सरकार आर्थिक डिसिप्लिन के
वित्तीय शिस्त के पैरामीटर्स को पसंद करेगी या समाज कल्याण को कार्यक्रमों को पसंद करेगी। मोदी सरकार ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वित्तीय शिस्त के सभी पैरामीटर्स को संभालते हुए समाज कल्याण के लिए करने वाले हर काम को किया जा सकता है, ये द्वंद को भी समाप्त किया है। हर सरकारें, मोदी सरकार के पहले जो बनी वो विदेश नीति और रक्षा नीति के बीच में द्वंद में फंसी रही। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस द्वंद को भी समाप्त किया है कि दुनिया के सभी देशों से दोस्ती बनाई जा सकती है, साथ में अपने रक्षा के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दी जा सकती है। ये द्वंद को भी समाप्त किया और साथ में ये सरकार अधिकारी चलाएंगे या सरकार जननेता चलाएंगे, ऐसा भी एक द्वंद चलता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो द्वंद को भी समाप्त कर दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि नीतियां बनाने का काम करते हैं, नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन का मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारी नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कर योजनाओं को नीचे तक पहुंचाते हैं। तो एक प्रकार से शासन की दृष्टि से बहुत सारे द्वंद समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, औचित्य भंग जरा भी नहीं होगा। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ने देश में सर्वाधिक परिश्रम करने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है। एक दिन में 15 घंटे से 18 घंटे तक काम करने वाला प्रधानमंत्री देखने का सौभाग्य देश को मिला है और हमें गौरव है कि वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता है। एक विजनरी प्रधानमंत्री देने का काम किया है, एक प्रामाणिक प्रधानमंत्री देने का काम किया है, एक अक्षय ऊर्जा के स्रोत वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया है और विश्व में सबसे लोकप्रिय जन नेता को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जो सरकार चली उसके परिणाम स्वरूप देश की राजनीति में भी बहुत बड़ा फर्क आया है। देश की राजनीति 65-60 के दशक से, लेट 60 के दशक से परिवारवाद, एपीसमेंट और जातिवाद के नासूरों से ग्रसित थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति को बदलकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा। एक जमाने में अखबारों में 12 लाख करोड़ के घोटाले, घपले, करप्शन के टाइटल्स बना करते थे, आज टाइटल विकास के बन रहे हैं, उपलब्धियों के बन रहे हैं। गठबंधन की सरकारों की मजबूरी गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ गवर्नेंस में भी स्टेबिलिटी लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्त कर सरकार को पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट कैसे होती है वो दिशा में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और सबका साथ सबका विकास इस सूत्र को नरेंद्र मोदी सरकार ने चरितार्थ किया है। देश के गौरव को बढ़ाने में अग्रसर नरेंद्र मोदी सरकार की अच्छी कामकाज का ही नतीजा है कि मोदी जी के विकास की यात्रा में एक के बाद एक के बाद एक सब राज्य जुड़ते गए हैं। आज देश में 20 राज्य सरकारें एनडीए की है, 70% भूभाग पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का शासन है। देश की 65% आबादी पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सेवा के माध्यम से 65% आबादी की सेवा करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावे केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में भी स्थानीय इकाई के चुनावों में हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार का जो कामकाज है इस पर ये जनता की मोहर है। जब मैंने कहा कि गरीबों की सरकार है, आज देश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली उपलब्ध नहीं है। आजादी के 70 सालों के बाद
18,000 गांव ऐसे छूट गए थे, 19,000 गांव ऐसे छूट गए थे जहां बिजली नहीं थी, आज हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। सौभाग्य योजना के तहत अब हर गांव में पहुंचाने के बाद हर घर को पहुंचाने की दिशा में हम गए हैं। 1 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है और 4 करोड़ घरों का विद्युतीकरण का लक्ष्य 2019 के नए जनादेश के पहले हम लेकर आएंगे, ऐसा हमने तय किया है। 2022 तक हर व्यक्ति को अपना घर, खुद का घर देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। 1 करोड़ लोगों को आवास देने का हमने काम समाप्त कर दिया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3.6 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस का सिलेंडर देने का काम हमने समाप्त कर दिया है और 8 करोड़ गरीब महिलाओं को जब गैस दे देंगे तो इस देश में हर घर गैस से युक्त हो जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने मोदी जी के कहने पर गैस की सब्सिडी छोड़ी है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी इनकी विश्वसनीयता जो जनता में है इसका परिचायक है। रोजगारी के मामले में स्वरोजगार नाम के एक नए आयाम को दुनिया को परिचय कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्टैंडअप, स्टार्टअप, मुद्रा बैंक और स्किल इंडिया के माध्यम से स्वरोजगारी को बढ़ावा देकर करोड़ों लोगों को रोजगारी देने का काम किया है। सिर्फ मुद्रा बैंक के अकेले के माध्यम से 9 करोड़ युवाओं को रोजगारी देने का काम किया है। स्वच्छता अभियान के तहत 7 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम किया है और 7 करोड़ घरों की स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ 7 करोड़ घर की महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक भी घोटाले के बगैर लाखों करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1.5% और 2% में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देकर किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। भारत माला के तहत लगभग 53,000 किलोमीटर की लंबाई के राजमार्ग को लगभग 5,35,000 करोड़ की लागत से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सेतु भारतम के माध्यम से 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, नेशनल हाईवे को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने का काम तय किया है। इसके लिए 21,000 करोड़ रुपया की लागत आएगी। सबसे लंबी सड़क सुरंग भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बनाई है। सबसे लंबा पुल डोला सादिया पुल लगभग 10 किलोमीटर की लंबाई का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। बुलेट ट्रेन के विश्व के नक्शे पर भारत को लाने का काम भी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की शुरुआत, मतलब काम शुरू करने के माध्यम से रखा है। उड़ान योजना के माध्यम से हवाई चप्पल पहनने वाले मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्ति को भी हवाई जहाज की सुविधा 2500 रुपये में मिल पाए, इस प्रकार की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ की लागत से 100 शहरों की व्यवस्था में परिवर्तन लाने का एक अच्छा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कहा था कि अभी ग्राम स्वराज अभियान के तहत सरकार ने 16,800 गांव चयनित किए थे जिसमें 50% के करीब दलित आबादी है। ऐसे 16,800 गांव में हर घर में बिजली, हर घर में गैस, हर घर में बैंक अकाउंट, हर घर में उजाला का एलईडी बल्ब और हर घर में सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना और हर घर में बच्चा और जच्चा दोनों का टीकाकरण का काम हमने किया है। मैं मानता हूं कि हम एक एक गांव को समस्या से मुक्त करने की दिशा में गए हैं और 15 अगस्त 2018 तक लगभग 65,000 गांवों को इस प्रकार से समस्या से मुक्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। नमो हेल्थ केयर के माध्यम से 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ की जनसंख्या को 5 लाख तक का हेल्थ बीमा देकर सभी प्रकार की हेल्थ की सुविधाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट करने की एक महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है। और किसानों की जो समस्या थी, आज मैं सुबह देख रहा था विपक्ष के
नेता इसी बात को दोहरा रहे थे, उनको मालूम नहीं है, बजट का भाषण उन्होंने ठीक से सुना नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा की है कि इसी खरीफ सीजन से लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। देश का किसान 70 साल से जिस चीज की राह देख रहा था वो काम 4 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त किया है। ये निर्णायक सरकार है, त्वरित फैसले लेती है, परिणामलक्षी सरकार है। काले धन पर एसआईटी बनाने के साथ साथ सिंगापुर, मॉरिशियस और साइप्रस की संधियों को हमने समाप्त कर अलग रास्ते से काले धन को भारत में लाने का रास्ता हमने बंद किया है। वन रैक वन पेंशन का मसला 40 साल से देश का जवान इसकी मांग करता था, कोई समाप्त नहीं कर सकता था। 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की समस्या को समाप्त कर अपनी जवानी को पहाड़ों पर, ठंडियों में और रेगिस्तान में गलाने वाले जवानों के परिवारों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला कर हमारे बहादुर जवानों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देकर दुनिया के नक्शे पर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला देश का परिचय हमने दुनिया को कराया है। नोटबंदी और जीएसटी इसी प्रकार के फैसले हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन, लंबे अरसे तक इस फैसलों को परिवर्तन करने वाले फैसले तक के बारे में जाना जाएगा। पहले काफी सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में 15 रूपया, 7 रूपया, 30 रूपया, 50 रूपये के पेंशन मिलते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर पेंशन की लघुतम मर्यादा को 1,000 रूपया कर 12,000 करोड़ रूपया का खर्चा कर हर एक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। कृषि कल्याण के लिए भी इस सरकार ने बहुत काम किया, इसी का परिणाम है कि देश के अनाज उत्पादन में लगभग 9.35% की वृद्धि ये 4 साल में हुई है और बागवानी के उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी ये 4 साल में किया है, जो किसी भी 4 साल के मानक में आजादी के बाद सबसे बड़ी है। दाल उत्पादन में 2010 से 14 की तुलना में 10.5% की वृद्धि हमने की है। लगभग दलालों को इम्पोर्ट न करना पड़े इस प्रकार की स्थिति कर दाल के भाव स्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कृषि बजट में जो 2009 से 14 में एवरेज 1.21 लाख करोड़ था, 2014 से 19 में एवरेज 2.11 लाख करोड़, लगभग डबल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कृषि बजट को डबल करने वाली ये पहली सरकार है, इसी के कारण मैं कहता हूं कि किसानों की हितैषी सरकार है। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों के लिए एक बाजार का प्लेटफॉर्म बनाने का काम भी हमने किया है। कृषि विकास दर जो मनमोहन सरकार -0.2% छोड़कर गई थी, इसको 4.9% तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मंडियों को ई नाम के माध्यम से आधुनिक तरीके से अच्छा भाव दाम किसानों को मिल पाए इस दिशा में ले गए हैं। लगभग 12.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। लगभग 275 से अधिक नई प्रयोगशालाएं बनाई गई है। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना लगभग 1.31 लाख करोड़ की बीमा राशि के साथ 4 करोड़ किसानों को कवर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नीम कोटेड यूरिया कर यूरिया की चोरी को समाप्त कर किसानों को यूरिया की किल्लत से बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। राष्ट्रीय बांस मिशन ने किसानों के लिए एक बहुत नया क्षेत्र खोलने का काम किया है। लगभग 1,300 करोड़ रुपया राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से हम लेंगे। आर्थिक विकास में भी इस सरकार ने बहुत हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त की है। भारत विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हम शुमार हो चुके हैं। 18-19 का अंदाजित जीडीपी 7.4% है। भारत के जीडीपी की बढ़ोतरी 2023
2013 से 2017 के बीच में 31% बढ़ा है, जबकि वैश्विक जीडीपी सिर्फ 4% बढ़ा है। ये बताता है कि भारत की जीडीपी कितनी तेज गति से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार जो 294 करोड़ था उसको रिकॉर्ड स्तर पर 417 करोड़ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पहुंचा है। एफडीआई जो पहले 35 बिलियन डॉलर था आज 7 बिलियन डॉलर तक एफडीआई पहुंचा है। संपूर्ण मुद्रास्फीति 2014 में 8.48% थी। जो महंगाई की बात करता है विपक्ष उनको मैं आंकड़े देना चाहता हूं, संपूर्ण मुद्रास्फीति 8.48% से घटकर अप्रैल 18 में 4.58% रह गई है, इससे भी नीचे जा चुकी है मगर अभी 4.58%। और खाद्य मुद्रास्फीति जिसके गरीब की थाली का लेन देन है वो 2014 में 9.19% थी, 2018 में सिर्फ 3.7% रह गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने महंगाई को पर काबू किया है, हमने पॉलिसी पैरालिसिस को दूर कर आमूलचूर परिवर्तन के दिशा में हम आगे बढ़े हैं। डीबीटी के माध्यम से लगभग 431 योजनाओं को लगभग 3.66 लाख करोड़ का लाभ सीधा बेनिफिशियरी के खाते में जा रहा है और 83,000 करोड़ रुपए की बचत इससे सरकार को हुई है। भ्रष्टाचार बंद हुआ है। बेनामी संपत्ति के कानून को भी हमने कठोरता के साथ लागू करने का निर्णय किया है, बनाया भी है, इसके रूल्स भी बनाए और कठोरता से इसको लागू भी करे हैं। जीएसटी को भी हम सबके साथ चर्चा कर सहमति बनाकर एक फेडरल स्ट्रक्चर की संघीय ढांचे की भावना को आगे बढ़ाते हुए सफलता से जीएसटी हम लागू किया है और एक राष्ट्र एक बाजार का कंसेप्ट आज सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष करदाताओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है, लगभग 50% कह सकते हैं, 40% से ज्यादा। 2012-13 में 4.7 करोड़ प्रत्यक्ष करदाता थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा करदाता है, 80% की ये वृद्धि है। अप्रत्यक्ष करदाता में भी बड़ी वृद्धि हुई है, जीएसटी के पहले 60 लाख लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जीएसटी के बाद 60 लाख से बढ़कर 98 लाख हुआ है। और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में भी यूपीआई और भीम ऐप आज सबको पछाड़कर आगे बहुत आगे बढ़े हैं और रूपी डेबिट कार्ड भी लगभग उसका मार्केट शेयर 36% तक पहुंचा है और अब रूपी सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं रहा है, रूपी क्रेडिट कार्ड भी शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब ये मार्केट शेयर और बढ़ेगा। मेक इन इंडिया में भी काफी प्रगति की है। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि पहले नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले सिर्फ 2 कंपनियां मोबाइल बनाने वाली भारत में थी, आज मोबाइल बनाने वाली 120 कंपनियां हो गई है और 1,32,000 करोड़ के राजस्व से 22 करोड़ मोबाइल सालाना बनने का काम यहां पर हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से 104 जिलों में लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई है, 146 जिलों में संस्थागत प्रसव में बहुत बड़ी बढ़ोतरी नजर में आई है। काम अभी काफी बाकी है मगर ये बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से 6,000 की मदद प्रतिवर्ष 50 लाख माताओं को भेजने का काम डायरेक्ट उनके अकाउंट में शुरू हो चुका है। 26 हफ्ते तक सगर्भा माता को छुट्टी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 80 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7 करोड़ शौचालय महिलाओं के सम्मान के परिचायक बने हैं। ट्रिपल तलाक जो एक अभिशाप माना जाता था मुस्लिम महिलाओं के लिए, इससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महिलाओं को अकेले हज में जाने का भी इजाजत हमारी सरकार ने दिया है। विश्व मंच पर भी भारत का सम्मान बहुत बड़ा है। दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावोस समिट का जिस प्रकार से उद्घाटन किया और भारत का विचार, भारत की संस्कृति और भारत का दुनिया के अर्थ
जगत के अंदर जो हमारा योगदान है इसको गौरव के साथ रखने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। सऊदी अरब, फिलिस्तान और अफगानिस्तान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सम्मान नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये देश की 125 करोड़ जनता का सम्मान है, पूरे देश का गौरव बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की स्वीकृति आज भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने ले जाने में इससे सफलता मिली है। कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कराने में भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार सफल हुई है। यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री जी का हिंदी भाषण मैं मानता हूं देश के गौरव को बहुत आगे ले जाने में सफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, 3 प्रमुख परमाणु संगठनों में भारत का शामिल होना, चाबहार पोर्ट का आरंभ, 104 सैटेलाइट को स्थित करना अवकाश के अंदर और पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाना, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे विश्व के मंच पर भारत का गौरव बढ़ा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि वो सम्मेलन के अंदर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में भारत को पूरे विश्व ने नेता माना है, ये हमारी उपलब्धि है। मित्रों, देश की राजनीति में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। चुनावी सुधारों में बहुत पहल की गई है। डोनेशन की सीमा जो 20,000 थी, राजनीतिक दान की सीमा 20,000 कैश थी, उसको कम कर सिर्फ 2,000 रुपया किया है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पारदर्शी चुनावी चंदे की पहल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और ये सभी का नतीजा है कि आज देश में 20 सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बन रही है और देश का एक बहुत बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने का मौका देश की जनता ने किया है। मगर हम विगत लगभग एक साल से एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देश की राजनीति में देख रहे हैं। बार बार झूठ बोलने की राजनीति, झूठ को जोर से बोलने की राजनीति, झूठ को सार्वजनिक रूप से बोलने की राजनीति का एक नया आरंभ मैं राजनीति के अंदर देख रहा हूं। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव तक इस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ाने में विपक्ष ने एक निर्णय किया है। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस देश में से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गरीबी को हटाना चाहती है। विपक्ष का एजेंडा एक ही है, मोदी को हटाओ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है इस देश में से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गरीबी को हटाकर स्थिरता प्रदान करना, विकास प्रदान करना, ये हमारा एजेंडा है। मित्रों, जिन लोगों ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर अपने परिवार की ही राजनीति की, आज वो हमें लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। इमरजेंसी के माध्यम से 1,00,000 लोगों को कोई गुनाह के बगैर जेल में डालने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि आज एक डर का माहौल है। सारे प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया के मुंह पर ताला लगाने वाले लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें बहुत आनंद होता है। एक नए प्रकार की राजनीति के युग में देश को ले जाने का प्रयास हो रहा है, मगर मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, इस देश विकास के एजेंडे से इधर उधर नहीं होगा। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अब एक लंबे समय तक हमारे चुनावी राजनीति का एजेंडा बनने वाला है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के माध्यम से ही इस महान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में इस देश की जनता ने निर्णय किया है। 4 साल में हमने काफी कुछ किया है, अभी काफी कुछ करना है, 1 साल अभी बाकी है और हमें भरोसा है 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की, महान देश की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद देकर पूर्ण जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाने का मौका देगी। और मोदी जी ने जिस परिवर्तन की शुरुआत की है, मैं मानता हूं भारत गौरव के
मामले में परिवर्तन और गरीबों के जीवन में सुधार करने के मामले में परिवर्तन, ये परिवर्तन लंबे समय तक देश में जारी रहेगा और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की विकास की राजनीति चली है वो भी लंबे समय तक चालू रहेगी। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 साल समाप्त करने पर, सफलतापूर्वक समाप्त करने पर, हृदय से मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। मित्रों, विनम्र निवेदन होगा, एक एक करके सवाल करेंगे। लीज मैथ्यू। देखिए, आप मुझसे तो कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकती कि पार्टी की रणनीति को मैं माइक में मीडिया के सामने उजागर कर दूंगा। दक्षिण का देश का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की एक्सपांशन की दृष्टि से बहुत पोटेंशियल एरिया है। हमने हमारा संगठन का बहुत एक्सपांशन किया है। कर्नाटक में 104 सीट जीतना, मैं मानता हूं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी एंट्री और अच्छी सफलता की निशानी है। मैंने कहा ना, मैं ऐसे हमारी भावी योजनाओं को माइक पे नहीं कह सकता जी। रजनीश त्रिपाठी, ANI। अटल जी, आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, राहुल गांधी ने आपके रिपोर्ट कार्ड को फेल कर दिया, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार। एक सेकंड रजनीश जी, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो विपक्ष में है भैया, उनको करना ही है, वो थोड़ी ना हमारे वखान करेंगे। नहीं देखिए, ऐसा है, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर दिए हैं, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। फैक्ट पर बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार है किसी भी फोरम में। बाकी SC ST X रद्द हो गया, इस प्रकार के झूठी बातें करनी है तो हम झूठ की स्पर्धा में नहीं हिस्सा लेते हैं। रविकांत, हम युद्ध के विकल्प को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम विकल्प मानती है, ये कोई विकल्प नहीं है। परंतु सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हम फर्म है, इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति है और सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर किसी एक 4 साल में मरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मारे गए। और सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हमारी सेना के गौरव को बहाल करने के लिए है और हमारी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को उसने दुनिया को परिचय कराया है। अनामिका रत्ना। अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में 3 साल तक रहे और हमारे 3 दिन से परेशान हो गए हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है, कोई लंबे समय की योजना बनाकर लोगों के सामने हम आएंगे। और जहां तक दलित एट्रोसिटी का सवाल है, दलित एट्रोसिटी हमारे शासन में नहीं बढ़ी है। कांग्रेस के समय के बड़े बड़े कांड अगर आप निकालकर डाउनलोड कर देगी तो आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के समय में किस प्रकार की दलित एट्रोसिटी होती थी, गांव के गांव खाली करने पड़ते थे। सरोज जी, Now it's come out in your government. It's very good order, but it's
30 years problems are what you are going to say in this one. And the second question, the Congress is alleged that the federal states are that balanced by the BJP. But recently, I am not, because this is today Acha Din hai, but I am asking you a question, you have to answer your question, you have to answer your question, you have to answer your question, you कुछ आपकी दवा देना जैसे इससे समाप्त एनवायरमेंटल लाइसेंस इशू. मैं दोनों का जवाब देता हूं. तूतीकोरिन में जो घटना हुई है इसके बारे में देश के गृह मंत्री जी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है और तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट भी मांगा है और कहा है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जनता पर डायरेक्ट फायरिंग नहीं होनी चाहिए. देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जताई है. और जहां तक कावेरी इश्यू का सवाल है, मसला कोर्ट में है, हमें एक रिपोर्ट पेश करनी है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव चल रहा था, कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष भेजा नहीं था. जब तक सारे राज्य अपना पक्ष नहीं भेजते हैं तब तक हम नहीं दे सकते. कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी. वेंकटेश नहीं, हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल ही नहीं. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी संविधान के तहत हम जितना कर सकते किया है. हमने उनसे रिपोर्ट भी मंगाई, रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्रालय इस पर विचार करेगा. अदिति नागर. वो मैं माइक में नहीं कह सकता वेंकटेश जी. अदिति नागर. अदिति जी, जनता जरा भी कंफ्यूज नहीं है, आप भी मत होइए. मैंने इसीलिए कहा कि झूठ बोलने की राजनीति, झूठ को जोर से बोलने की राजनीति और झूठ को सार्वजनिक रूप से बोलने की राजनीति शुरू हुई है. जिनके घर में गैस पहुंचा है उसको मालूम है मेरे घर में नरेंद्र मोदी ने गैस पहुंचा है. 1 करोड़ लोगों को घर मिला है उनको मालूम है मुझे घर मिला है. जिन्हें 1 करोड़ परिवारों को घर के अंदर बिजली पहुंची है उनको मालूम है हमारे घर में बिजली आई है. 7 करोड़ परिवारों को मालूम है कि शौचालय आ चुका है. 19,000 गांवों को मालूम है कि हमारे गांव में बिजली आ गई और 70 साल के बाद आई, 3 पीढ़ी के बाद आई, एक परिवार के 3 पीढ़ी के शासन के बाद आई. हरीश लखेरा. बोलने की स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, जो बोलते हैं उसमें सब्सटेंस कितना है इसकी स्पर्धा होनी चाहिए. अरे भैया, सब्सटेंस ढूंढ निकालो, बाद में चुनौती आती है. अंकित गुप्ता. ये आंकड़ा ठीक नहीं. देवेंद्र पलासर. ऐसा नहीं है भैया. देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हमें जनादेश प्राप्त होता है तो हम जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, हर साल देते हैं. मैं भी हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, प्रधानमंत्री जी भी हर साल रैली करते हैं, बाकी सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के चलते रहते हैं. 4 साल की समाप्ति की रैली ओडिशा में है, आज 3:30 बजे है. तो वहां से वो जनता को अपना हिसाब देंगे. और बाकी सारे कार्यक्रम तो चलते हैं, यूपी में गए तो कल झारखंड भी गए थे. ना ना, ओडिशा से लोकसभा लड़ना अभी किसी का कहीं से लोकसभा लड़ना तय ही नहीं है. ओडिशा कल झारखंड गए तो झारखंड से लड़ा हो गया.
मनोज परसों नर्सों वहां गए थे, कश्मीर गए थे, तो वहीं से लड़ा दोगे? प्रधानमंत्री जी मेहनत करने वाला आदमी है, पूरे देश के हर जिले में जाने का उनका प्रयास है।